स्वागत है आपका जी बिजनेस की खास पेशकश में। हमारे साथ मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसे मंत्री जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जिनके मंत्रालय में सबसे ज्यादा एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। हमारे साथ हैं रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभु। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 साल मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं। इस 3 साल में हमने रेलवे में काफ़ी कुछ बदलाव देखा है, लेकिन जो विजन आप लेकर चले थे उसमें कितना कुछ कर पाए, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये ना ऐसी एक बात है कि जिसमें आज हम काम करेंगे तो उसका नतीजा देखने के लिए 3-4 साल के बाद दिखाई देता है। कुछ काम ऐसे हमने शुरू किए जो उसका फौरन लोगों को लाभ होगा, जैसे कि टिकेटिंग के सुविधा में, खान पान सेवा में, कंबल में जो आते हैं इसके लिए मैकेनाइज क्लीनिंग करने में, हमारे स्टेशन के ऊपर लिफ्ट हो, स्टेशन के ऊपर व्हीलचेयर्स हो, पानी के लिए 1-2 रुपये में पानी मिले उसकी व्यवस्था हो, साफ़ सुथरीपन हो रेल का, हमारे कोचिस में नए ट्रेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाए, जैसे कि हमने अंत्योदय किया, हमने हम सफ़र किया, हम लोगों ने महामना एक्सप्रेस शुरू की, हम लोगों ने तेजस की भी शुरुआत कर दी है, साथ ही में हमारी यहाँ से आगरा चलने वाली वो ट्रेन को भी हमने शुरुआत कर देना, अलग अलग ट्रेन के प्रोडक्ट्स भी लाए, ये तो इमीडिएट लोगों को उसका लाभ भी होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आज करेंगे तो उसका लाभ निरंतर होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि 16% नेटवर्क, सिर्फ 16%, 60% से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करता है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, ट्रेन डिले हो जाती है, हाँ, ट्रेन को मेंटेनेंस करने को समय न मिलने की वजह से सेफ्टी के इश्यूज खड़े हो जाते हैं, तो ये सभी इश्यूज को ऊपर हैंडल करने के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पे काम शुरू किया है, जिसमें पिछले 2.5 सालों में हमने 16,500 किलोमीटर हमने नए लाइन बनाने के लिए, डबलिंग ट्रिपलिंग करने के लिए हमने स्वीकृति कर दी। बिल्कुल। जो आप देखेंगे उसकी तुलना में कि पिछले 70 साल में सिर्फ 20,000 किलोमीटर के ऊपर कुछ किए गए थे, यानी ये आज होगा तो उसका लाभ निरंतर मिलेगा। उसी तरह से विद्युतीकरण, हमारे पास 42% सिर्फ विद्युतीकरण हो चुका है, हम अगले 5 साल में उसको 50 डबल करेंगे। आज जो भी हमारे देश में मीटर गेज लाइन्स है सबको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करेंगे और जैसे होते जाएंगे वो भी विद्युतीकरण हो जाएगा, यानी सभी का लाभ आपको मिलेगा। यानी आपने पूछा बिल्कुल सही है, कहाँ तक संतुष्ट है, तो मैं कहूँगा जो शॉर्ट टर्म है उसमें तो काम काफ़ी हो चुका है, जो मीडियम टर्म है जिसके बारे में अभी जिक्र किया वो होने के लिए जो समय लगेगा, होने के बाद मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि बड़े पैमाने पे लोगों को राहत मिलेगी। प्रभु जी, एक जो विसंवादिता मैं कहूँगा आपके मंत्रालय में इस समय है, आपने कहा, सही कहा, और ये जितनी नई ट्रेन्स आपने बताई उससे लोगों को काफ़ी सुविधा भी हुई है, वही फीडबैक हमें भी मिला है, लेकिन उसके 2 पहलू हैं। एक, ट्रेन्स नई जो शुरू हो रही है वो काफ़ी सुविधाजनक है लेकिन वो थोड़ी महंगी है जो एवरेज फेयर्स होते हैं उससे। दूसरा, औसत भी अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में रेल का किराया बढ़ा है। अब जैसे तेजस है तो उसका भी जो किराया है दैट्स ऑन द हायर साइड। तो ये तो हो गई रेलवे की बात। अब दूसरी तरफ एविएशन मंत्रालय है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो फ्लाइट्स हैं उसके दाम घटे किसी तरह से, तो इससे आपको चिंता नहीं होती? ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। बिल्कुल सही है। देखिए, रेल का जो खर्चा है उसमें सैलरी और पेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, और हम जब कुछ तय करते हैं प्राइसिंग तो खर्चा वो प्राइसिंग के ऊपर लोड हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि एफिशिएंसी बढ़ाकर रेल का काम कम होना चाहिए ताकि हम लोग भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लोगों को दे सके। अब ये यदि करना है तो इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो हमने पहली बार रेल के इतिहास में एक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी बनाई है जो ये पहले तय करेगी कि एफिशिएंसी की पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। एफिशिएंसी की पैरामीटर्स के आधार पर आपको कितनी कॉस्ट प्राइसिंग के ऊपर करनी चाहिए, फ्रेट के ऊपर कितना करना चाहिए, पैसेंजर्स के ऊपर करनी चाहिए। दूसरी बात, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। यानी जब तक आप एफिशिएंसी का बात नहीं लाएंगे, आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ एयरलाइंस किराए कम कर रही है, दूसरी बार जो रोड से जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसका भी एक मुकाबला हमें करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल करने की ज़रूरत है। इसके लिए फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास में हम लोगों ने एक पर्यायी व्यवस्था बनाई है, स्थायी व्यवस्था बनाई है, और ये व्यवस्था ही इस बात के ऊपर गौर करेगी। ये बिल्कुल ज़रूरी बात है, करना ही चाहिए, और मैं इसलिए मैंने ये सोच के ही ये व्यवस्था बनाई है।
तो सर क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि आप हर महीने रेल किराया थोड़ा बढ़ाएं, जैसे आजकल हम पेट्रोल डीजल में देख रहे हैं रिव्यू होता है, उसमें यात्रियों को पिंच भी कम होगा और वो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा रादर देन वेटिंग फॉर बजट। अब वैसे भी रेल बजट अलग से प्रेजेंट होता नहीं है, क्या ये संभव है इस तरह की व्यवस्था? अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि इसके ऊपर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दो चीज़, एक तो कंपटीशन के ऊपर देखना चाहिए, साथ में रेल के मुनाफा बढ़ाने के लिए भी देखना चाहिए, क्योंकि जो मुनाफा आएगा उससे तो हम लोग आगे निवेश भी कर सकते हैं। इसलिए प्राइसिंग और पैसेंजर्स और फ्रेट दोनों में से आज हमको आमदनी आती है, तो दोनों के ऊपर इस तरह से देखना चाहिए जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है। फ्रेट के दाम हमने कम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज फ्रेट की वॉल्यूम भी बढ़ रही है, फ्रेट ज़्यादा आ भी रहा है। लेकिन पैसेंजर में किस तरह से करना चाहिए इसके ऊपर भी हम लोग फिलहाल की जरूरत है नहीं ऐसा। अच्छा, तीसरी बात आपने जो कही कि रेल की प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टेड रेलवे में पहली बार बनाए। आपको मेरे कहने के लिए खुशी होगी कि जो भी बात मेरे रेल बजट में, दो रेल बजट प्रेजेंट किए गए, कही थी, उसको सभी के ऊपर अमल हो रहा है, सभी के ऊपर। और उसमें एक बात हमने कही थी कि नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टेड बनाएंगे, तो नॉन रेवेन्यू फेयर डायरेक्टेड से ये साल में 80% से ज़्यादा आमदनी बढ़ी, 80% एक साल में, और अगले 10 साल में हम उसको 40,000 करोड़ तक ले जाएंगे। दूसरी बात, खर्चा कम करने के लिए हमने जो सैलरी और पेंशन तो हमारे हाथ पे भाई है, लेकिन नंबर दो कॉस्ट जो आती है वो है एनर्जी की, उसमें हमने 4,000 करोड़ कम किया और 42,000 करोड़ कम करने के लिए, 41,000 कम करने के लिए हमने एक पूरा प्लान भी बनाया। साथ ही में हम लोग ये कोशिश करें कि ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करके अगले 10 साल में, अगले कुछ सालों में 50-60,000 करोड़ का सेविंग रेलवे को मिलेगा। इस तरह की काफ़ी करीब हम करें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसेंजर का फेयर, उसके ऊपर भी एक पर्याय व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को भी इसका एहसास होना चाहिए। फिलहाल ऐसा प्रस्ताव है नहीं कोई, हर महीने बढ़ाने ऐसे इसके बारे में सोचा जा सकता है जैसे आपने कहा। लेकिन सर जो जो यात्रियों से हमें फीडबैक मिलता है, और मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, जो सुविधाएं ट्रेन में बढ़ी है उससे वो काफ़ी खुश हैं। जो दो तीन शिकायतें हैं उनकी, एक तो किराए को लेकर है क्योंकि वो महंगा है, दूसरा टिकट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर है, तीसरा ट्रेन में जो देरियां होती हैं स्केड्यूल में इसे लेकर। और वो आई अंडरस्टैंड, पिछली बार भी जब आपसे बात हुई आपने कहा था कि नेटवर्क इतना जैम्ड है कि आप एक हद से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते एफिशिएंसी। चौथी और जो बड़ी शिकायत है वो दरअसल एक्सीडेंट्स को लेकर है, एक्सीडेंट्स हाल ही में भी जिस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो एक तो ये देरी जो ट्रेन चलने में हो रही है वो, और दूसरा एक्सीडेंट्स, इस पर आप इमीडिएट स्टेप्स क्या उठा रहे हैं? तो ये सब इमीडिएटली स्टेप्स उठाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार रेल में सेफ्टी फंड बनाया जा रहा है ये जो एक्सीडेंट रोकने के लिए। पहले तो एक्सीडेंट में दो बिंदु है, एक तो कितने खातपात की वजह से हुआ है वो भी देखना चाहिए, कितने हाथ से देर साबुड़ उस दोनों को देखने की जरूरत है। लेकिन वो मैं नहीं समझता, मैं तो पूरी तरह से उसके कारण क्या है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी, मैंने उसके ऊपर कभी बयान भी नहीं दिया, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है वो तय करेंगे। लेकिन पूरी मात्रा में करने के लिए हम लोग पहली बार जो 40,000 हमारे जो कोचिस है, 40,000, आप सोचिए इतने साल के बाद हमने 40,000 कोचिस आज हमारे 90% ऑलमोस्ट जो आज बिल्कुल सही माने में उसको नॉन एलिजिबल कोचिस है, यानी उसमें हादसा होता है तो ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है, इसके लिए हम उसको पूरी तरह से रिट्रोफिट करने के लिए निर्णय किया अगले 5 साल में करेंगे। दूसरी बात, जो ट्रैक डाले जाते हैं उसमें ट्रैक लेइंग मशीन और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, ट्रैक डिटेक्शन के लिए यदि कोई फॉल्ट है उसके लिए भी मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। तीसरी बार हम लोगों ने एक अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फिर वेल्डिंग से रिलेटेड हो, स्टील के रिलेटेड हो, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही में सेफ्टी ऑडिट्स किए जा रहे हैं, साथ में सेफ्टी के लिए जो भी गलत काम करेगा उसके लिए एक्शन ली जा रही है, कोई नेग्लिजेंस हो सकता है, सिग्नलिंग व्यवस्था में परिवर्तन करने की शुरुआत की गई है, यानी सभी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपया देश के इतिहास में पहली बार रेल सेफ्टी फंड क्रिएट किया गया है, उसका भी इस्तेमाल इस काम में भी लगाया जाएगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में, आप पिछले किसी भी साल की तुलना में देखेंगे तो हमारी हादसों की संख्या कम हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे मीडिया स्ट्रांग तो उसको हाईलाइट ज्यादा होता है, लेकिन आज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म के तहत भी आज हमारे हादसों की संख्या कम हुई। एक बार तो देरी होती है, उसकी वजह यही है कि आज हादसे और देरी दोनों एक दूसरे के बात है। कैसे मैं बताता हूँ कि आप जब तक मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब तक इस तरह के जो कमियां रहेगी, तो हादसे की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। वो कम करने के लिए आपको मेंटेनेंस करना चाहिए, आपको मेंटेनेंस करना है तो ट्रेन को रोकना चाहिए, ब्लॉक देने चाहिए, ब्लॉक देंगे तो ट्रेन डिले हो जाएगी, यानी दोनों तरफ से देखे। और इतना कंजेशन है कि ब्लॉक देना भी मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा करके आपने भी देखा होगा
जहाँ डिरेलमेंट वगैरह होता है यूपी इसी एरिया में, उसी वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन भी है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर रास्ता निकालने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जो जीएसटी है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये मांग उठ रही है कि जो एसी जो यात्री हैं जिनको, या फिर एसी किराए जो हैं जिसको जीएसटी नेट में लाया गया है, उसे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। एक तो उस पर आपका व्यू क्या है, और दूसरा क्योंकि जीएसटी आने के बाद जो रोड से फ्रेट का ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा अभी जितना होता है उससे, तो उसका इम्पैक्ट रेलवे के फ्रेट ट्रैफिक पर कितना देख रहे हैं? ठीक है, एक तो अभी उसके ऊपर भी काफ़ी गौर से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी एक नई बात उभर के आई है, उसका हम स्वागत तो करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी देश के लिए ज़रूरी है। हर सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ उसका परिणाम होगा, तो हर सेक्टर को और स्ट्रैटेजी को अपने बनाना पड़ेगा। हमें लाभ भी इसलिए हो सकता है कि एक जब पूरा इंटीग्रेटेड मार्केट बनेगा तो फ्रेट की वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से रेल को लाभ हो सकता है। यदि आप उस स्थिति में है कि जो वॉल्यूम बढ़ेगी वो आपके पास आएगी, उसीलिए हम लोगों ने फ्रेट में कमी भी लाई है, हमारी 1.2 बिलियन टन हैंडल करने की कैपेसिटी भी रेल में लाई जा रही है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करें कि आपके उसका पार्टिसिपेशन हो, टाइम टेबल फ्रेट ट्रेन भी चलाई जा रही है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पे पिछले दो अढ़ाई सालों में हमने फ्रेट टर्मिनल्स बढ़ाए हैं, साथ ही में प्राइवेट साइडिंग के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि अब जीएसटी का क्या परिणाम रेल के फ्रेट के ऊपर होगा, उसके ऊपर करने की जरूरत है, उसके लिए हमने किसी को काम करने को भी कहा। इनिशियली डू यू एक्सपेक्ट वॉल्यूम्स टू ड्रॉप? नो, आई डोंट थिंक सो, मैं कहता हूँ शायद ये बढ़ेगी। ओके, यदि हम सही माने में उसके ऊपर, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। देखिए, रेल में मैं सबको, मेरे साथियों को वही कहते आ रहा हूँ, एक जमाना था जब हम अपने रेल भवन में बैठ के रेल चलाते थे, वो भी जमाना नहीं है। बिल्कुल, सभी हमारे लोगों को मार्केटिंग करना पड़ेगा, बाहर जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो फ्रेट देने वाले उनसे बोलना पड़ेगा आप हमारे पास आइए, यदि हम कहेंगे आपको आना है तो आइए, नहीं तो हम चलेंगे, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। ये इसमें बदलाव आया है पिछले दो साल में, लगातार ये कोशिश करके आज हमारे रेल की ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट ओरिएंटेड करने में कुछ मात्रा में हम सफल भी हुए, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। तो उसी तरह से जिस तरह से पैसेंजर है उनको भी हम लोगों ने मार्केट की तरफ से देखना चाहिए। हम कहेंगे आपको आना है तो आइए, नहीं तो छोड़ के जाइए, इस तरह से बात नहीं चलेगी। इसीलिए हमने ट्विटर के ऊपर लोगों की समस्या हल करे, उसका कारण यही है कि हमें पता चले कि लोग किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, वजह क्या है, क्या उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके लिए मार्केट बढ़ेगा तो रेल को भी उसका लाभ हो सकता है, यदि आप आपकी स्ट्रैटेजी लेके बैठे, तो हमने स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए। और वो जो एसी किराए हैं, एसी कोचेस के जो कि जीएसटी में आ रहे हैं, उस पर कोई पुनर्विचार हो सकता है, आप पेशकश करेंगे? अभी वो वित्त मंत्री से बात करनी पड़ेगी। बट डू यू सपोर्ट दैट एग्जेम्प्ट करना? अभी ये तो देखिए, मैं इसीलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो वित्त मंत्री और देश के सब वित्त मंत्रियों ने जो बात कही है उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर उनसे बैठ के बात भी करेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे, बुलेट ट्रेन का इंतजार पूरे देश को है, और साथ ही जो बाकी हाई स्पीड नेटवर्क आप क्रिएट करना चाहते हैं पूरे देश में, चाहे वो टेलगो हो या फिर बाकी भी सेक्टर्स, उस पर फिलहाल प्रोग्रेस क्या है, क्या जो रियलिस्टिक लग रही है आपको टाइमलाइन 2022-23 तक पहली बुलेट ट्रेन देश में चलना फीजिबल लग रहा है? ये तो जो स्पीड बढ़ाने की बात है उसमें, इसके लिए वापस एक बात कहता हूँ जो मैंने बजट में कही थी, मिशन रफ्तार हमने बनाई रेल मंत्रालय में, उसका भी काम हो रहा है। इसके लेकर दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता जो मेन ट्रंक कॉरिडोर्स है हमारे, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए इस बजट में 16,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हम लोगों ने प्रावधान किया है, ताकि वो स्पीड बढ़े। साथ में आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ है, चेन्नई टू बंगलुरु है, इस तरह के छोटे छोटे कॉरिडोर्स पे भी हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें कुछ विदेश के देश भी हमें मदद कर रहे हैं। साथ ही में ये जो हाई स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट है वो भी 2023 तक होगा, उसके लिए जो भी माइलस्टोन्स जापान और भारत ने मिलकर बनाए थे उसके तहत ही काम हो रहा है। सो इट विल रोल आउट ऑन टाइम एज ऑफ नाउ। चलिए सर, तो उम्मीद यही करते हैं कि अगले साल जब आपसे बात होगी और आगे भी जब बात करेंगे, तो रेलवे और सुचारू रूप से चले, और जो कमियां हैं फिलहाल जिसे आप ठीक करना चाहते हैं वो भी आप जल्द से जल्द कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सर।